शांतिनगर पुलिस थाना अंतर्गत अप्रैल महीने में चेन स्नैचिंग के आरोपी को गिरफ्तार किए जाने का मामला सामने आया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी एसए जाधव ने चेन स्नैचिंग की वारदात में आरोपी को दोषी करार देते हुए 2.5 वर्ष की सजा सुनाई थी। बता दें कि यह खबर बीसीएन न्यूज द्वारा दिखाई गई थी। दोषी करार दिया गया आरोपी न्यू येरखेड़ा कामटी निवासी शाहिद अली गुलाम अली रजा बताया गया। 24 अप्रैल 2021 की रात 11 बजे के दौरान सुदर्शन कॉलोनी लालगंज निवासी निकिता नितिन पिहुनिया अपनी सहेली के साथ घर के बाहर टहलने निकली थी। इसी दौरान शाहिद दुपहिया वाहन पर उनके पास आया, गले से सोने का मंगलसूत्र झपट कर भाग निकला। शांतिनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर शाहिद को गिरफ्तार किया। सब इंस्पेक्टर अरुण बकाल ने प्रकरण की जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। दिनांक 23/4/2021 रोजी झाड़े चौकामध्ये रात्री 11 वाजता निकिता बहुनिया नावाची स्त्री चेन स्नॅचिंग झालं होतं। तिच्या गाड्यातील मंगळसूत्र एका अनोळखी आरोपीने जो गाडीवर आला होता त्याने ते चोरून नेलं होतं। त्याबाबत आपण पोलीस स्टेशनला भादवी कलम 392 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता। त्यानंतर आम्ही आमच्या गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की सदरची चोरी सदरची चेन स्नॅचिंग ही आरोपी नामे शाहिद अली जो कामठीमध्ये राहतो त्याने केलेली आहे। आम्ही त्याला 25 तारखेला अटक केलं। अटक केल्यानंतर त्या आरोपीकडून आम्ही पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर जरीपटका मानकापूर आणि भिवापूर पोलीस स्टेशन जे नागपूर ग्रामीणमध्ये आहे या पोलीस स्टेशनचे देखील गुन्हे आम्ही डिटेक्ट केले होते आणि त्याचा मुद्देमाल देखील रिकवर केला होता आम्ही। तर आरोपीचं नाव आहे शाहिद अली गुलाम अली, तो कामठी येथे राहतो। तर त्याच्या विरुद्ध आम्ही चार्जशीट दाखल केलं होतं माननीय कोर्टात। आज माननीय कोर्टाने सदर आरोपीला 2 वर्ष आणि 6 महिने सक्तमजुरीची शिक्षा आणि 5000 रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।